लड़की की ड्राइव से डरते तो नहीं हो? थोड़ा सा डरता हूँ। ओहो, ये रॉन्ग साइड है, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर था। तो हार्ट ब्रेक तो हुआ था। एक रात में नहीं लिखा गया है। और वो चिड़िया सॉन्ग के पीछे की क्या स्टोरी थी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो विद अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक्स। एंड हमारे साथ जो बैठे हैं, इनका मेरे को इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, विलन के नाम से सब जानते हैं। पर मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे को रियल नेम नहीं पता अभी तक आपका। इट्स विपुल धनखड़। विपुल? यस। मेरे को लगा था विपुल मैनेजर का नाम है। तो आपने ऐसे नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि आपका जब नाम था विपुल तो आपने जब अभी भी है सॉरी विपुल नाम है आपका, पर आपने जब म्यूजिक इंडस्ट्री में आए तो आपने विलेन क्यों रखा था? ये बहुत सारी वजह है इसकी। तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं था कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहा हूँ तो मैंने अपना नाम विलेन रख लिया। मतलब मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया इस क्वेश्चन की वजह से, बट वो ऐसा नहीं था। ये मेरी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिराइव्ड था नाम, कि भाई मेरे को लोग जैसे देखते थे और जैसा समझते थे। और दूसरी चीज़ एक बहुत ही मेजर ये था कि मेरे को बुरे होने में दिक्कत नहीं थी, बुरा बनने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है कि अगर मैं लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि मुझे समझ थी कि हाँ मैं किस किस सेक्टर में बुरा हूँ। अब लगा लो मैं आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहूँ बट आपको बुरा लग जाए, अल्टीमेटली बुरा तो मैं ही हूँ ना। मतलब इन अ सेंस कि ना आप चाहते तो, आप तो कहोगे कि भाई वो तो बिल्कुल बेकार है बंदा। तो वो चीज़ मैं हमेशा अपने साथ रखता, ठीक है एक एक्सेप्टेंस है कि बुरा होना इज़ फाइन। बुरे होने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले के साथ बुरा कर रहे हो। लाइफ अगर आप अपनी बुराइयां ही देख रहे हो ना कि आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कि हाँ मैं कहाँ कहाँ बुरा हूँ, तो यू आर ऑलवेज ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। रादर देन आप अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हो तो सिर्फ डिप्रेशन। हाँ, अच्छे बन के तो आप नहीं रह सकते। तो वो जो होता है ना कि अच्छों के साथ बुराई होता है, वो अच्छों के साथ बेवकूफों के साथ बुरा होता है। ये बात सही, ठीक है। तो ऐसा आपने ये सोच के विलेन रख दिया था नाम? हाँ, ये मतलब काफी पहले रख दिया। किसी ने कुछ सजेशन नहीं किया था? नहीं नहीं, सजेशन क्या, उस टाइम तो कोई ऐसा था ही नहीं, मैं बातचीत किससे नहीं करता था। तो उस टाइम पे मतलब मैंने इंस्टाग्राम का अपना नाम चेंज कर दिया था विलेन उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे काफी मेरा मजाक उड़ा, बहुत चीजें हुई। बट मैंने आर्टिस्ट बनने के बाद ये नहीं करा, मैंने पहले इंस्टाग्राम पे चेंज कर पहले कर दिया था। 2016 में कर चुका था मैं नाम चेंज। आपकी एज क्या है? मेरी है 29। मतलब क्यों? मतलब ये तो बचपन में बच्चे करते हैं चेंज कर। हाँ नहीं नहीं, मतलब विलेन भी यार वो वाला नहीं था कि VILL जो भी मैं गलत स्पेलिंग ना बोलूं, तो वो वाला नाम नहीं था। वो बहुत सोच समझ के मैंने अपना रखा था कि थोड़ी सी गलत स्पेलिंग होगी, ये होगा वो होगा, एक एक लेटर जांच परख के बहुत मेहनत करी थी। और ये किस एज में कर दिया था आपने? अब यार ये माइनस प्लस कर लो यार, मैं तो बहुत बेकार हूँ मैथमेटिक्स में। मैं भी, आप कर लेना गाइस प्लीज, कमेंट करके बताइएगा। कितने ऐसे कुछ आइडिया हो 12th में या 12th के बाद कॉलेज में? नहीं, आई थिंक कॉलेज ही कॉलेज। कॉलेज में कर दी? अब जैसे आपने बोला आपको लोग ऐसा समझते थे या फिर आपने ऐसे नाम चेंज कर दिया, मेरे को बचपन के बारे में बताओ आपका, कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड मेरा बहुत हैपनिंग था या बहुत ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग था? थोड़ा मिक्सचर था दोनों चीजों का। हैपनिंग था मेरा फैमिली साइड से, कि हम हमेशा से गांव-वांव बहुत ज्यादा हमारा रुझान रहा है, बहुत ज्यादा जाते थे, महीने महीने दो दो महीने वहीं रुके हुए हैं। तो वो चीजें, बहुत सारे बच्चे होते थे हम, जो कि हम आज भी सारे भाई बहन बहुत क्लोज हैं, सब लोग इकट्ठे होके बहुत मजे करते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट आउटसाइड ऑफ फैमिली बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था, और वो बड़ा ही रिश्तेदारी? नहीं नहीं, रिश्तेदारी तो हो गई, कजन वगैरह सारे। हाँ, रिश्तेदारी वगैरह तो रिश्तेदारी बहुत बढ़िया है, सब चीजें बहुत अच्छी है। बट आउटसाइड ऑफ फैमिली, लाइक फैमिली के बाहर, उसके बाहर यारी दोस्ती हो गई, चाहे अपना स्कूल हो गया, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ा ही बेकार था। बहुत बुली हुआ हूँ मैं और बहुत हमें को ऐसा कुछ लगता है कि ना एक साइड है आपकी जो खुल के ऐसे सामने नहीं आती।
ये रॉन्ग साइड है, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर। नहीं मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे रास्ता क्या। मतलब हाँ, जब बचपन था मेरा तो छोटा था, जब स्कूल में, तो बहुत ज्यादा बुली हुआ हूँ। मतलब ऐसा वाला बुली हुआ हूँ कि भाई मेरा बस स्टॉप आया नहीं, उठा के मेरा बैग आगे फेंक दिया, आगे गया मैं उठाने, उठा के पीछे फेंक दिया, ये सब कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकता, अकेला बच्चा है। मैं भी बुली हुई हूँ ऐसे, और मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी सिर्फ। तो जहाँ पे लड़कियाँ लड़कियाँ हूँ वहाँ पे तो और ज्यादा करते हैं। नहीं, लड़कियों के सामने और बेइज्जती फील होती है, लेकिन जो भी है, मतलब बहुत ऐसे ही खामा खा पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चश्मा लगाता था तो चश्मा मैं बहुत खुश होके मम्मी के साथ पर्पल कलर का लेकर आया था, उससे मेरा नाम बॉनविटाई रख दिया, उससे बहुत बुली करा। तो मतलब बहुत चीजें ऐसी ऐसी हुई, कुछ चीजें ऐसी जो क्या ही बताऊं अब। तो जो भी एक आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, जहाँ तक मैंने समझा है ना, कि जब भी दिखती हैं जो एक सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं लोग, कोई भी, खैर मैं नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी ऐसे लोग होते हैं, वो यूजुअली इन सब चीज़ों से गुजर के ही आप हैंडल करना आता है आपको। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यार मेरे साथ किसी ने वो चीज़ें करी, सो दैट अब मेरे साथ कोई कुछ कर नहीं पाता। तो आप उन चीजों से बाहर निकले कैसे, घर वालों को बताया या खुद ही जाके एक दो घूंसे मारना चालू कर? नहीं, एक बड़ी फनी स्टोरी है इसके बारे में। मैं रोज रोता हुआ ही आता था अपने घर पे ना, तो मैंने मम्मी को बता रहा कि मेरे को ऐसे ऐसे करते हैं, कह रही हम कुछ नहीं करेंगे, अब तेरे को करना है तो अपने आप देख जो करेगा। तो मैं था उस टाइम पे आई थिंक 4th-5th क्लास में होऊंगा, और वो लड़का था काफी सीनियर, एक वो मेरे को ऐसे ही मारा पीटी करता रहता मजे के लिए। तो तब मैं बस स्टैंड मेरा जैसे ही आया, मैंने दिया घुमा के रेपटा दिया उसको। और वो मतलब समझ कि अपने अंदर की पूरी जान निकाल ली मैंने। बोली सा बच्चा हाँ। वैसे ही वो, उसका तो काम ये था, और उसको रेपटा लग गया, सब देख रहे ये क्या हो गया, और मैं उठा के बैग और सर मैं भी 8th क्लास तक हुई हूं बोली। नहीं हुआ तो मैं उसके बाद भी था, बट ये एक पॉइंट था कि मैं बस में बुली होना बंद हो गया था। उसके बाद मेरा उससे झगड़ा हुआ था, बट वही है, दो चार और खाए, वो भी थोड़ा सा है कर रहा, हो गया ठीक उसके बाद। पर ऐसे करते कि तो बहुत ऐसे भोले बच्चे थे आप स्कूल में? बहुत भोला बच्चा था, बहुत। नहीं मतलब किस सेंस में भोले? भोले इनोसेंट? हाँ नहीं नहीं, इनोसेंट तो यार, इनोसेंट इज पार्टली कि आपको कुछ चीजें कम पता है, क्योंकि अदरवाइज इनोसेंस नहीं हुई ना, स्मार्टनेस हो जाएगी वो। इनोसेंट मैं बहुत ज्यादा ही, मतलब बेवकूफ था, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। मेरे को कुछ भी, मतलब ऐसा लगता था सब ऐसे ड्रीम वर्ल्ड सा, सब अच्छे अच्छे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर ऐसी ऐसी चीजें बीच में हो जाती थी। फिर ये था कि हाँ धीरे धीरे होके फिर मैं थोड़ा और मैंने हाथ पैर अपने खोले, एट्थ नाइन्थ में आके फिर बिल्कुल ही सबसे सिर्फ यही होता है, अंदर का वो जाट बाहर आ गया। फिर उसके बाद झगड़े होते रहे, फिर सारे दोस्त बन गए, फिर उसके बाद कोई परेशानी आई नहीं उस तरीके की जिंदगी में। और मार्क्स कैसे आए थे? बहुत कम, वो 12th में भी 10th में भी। हाँ मेरे को पढ़ाई समझ ही नहीं आई, मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ पढ़ाई करने के। एक होता है कि आप जान के नहीं पढ़ते या कुछ और चीज़ है, मैं केपेबल ही नहीं हूँ। मैंने एक बार बुक पढ़ने की कोशिश करी कि यार समझदार लोग ना बुक भी पढ़ते हैं, सो गए। नहीं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इतना पढ़ा, उसके बाद मैं नीचे का पढ़ा, मैं ऊपर का भूल गया, फिर मैंने ऊपर का पढ़ा, मैं नीचे का भूल गया, मेरे बस के नहीं, बंद करो इसे। मैं तो अब बुक खोलती हूँ, वैसे मैं अच्छी खासी पढ़ी हुई हूँ, PhD भी करनी थी मेरे को, पर अब मैं बुक खोलती हूँ जब मुझे सोना हो। अच्छा, बुक खोलेगी तो आराम से नींद आ जाएगी। उन लोगों को देख के हैरानी नहीं होती जो बुक्स खरीदते हैं पढ़ने के लिए सिर्फ? यार मेरी बहन पढ़ती थी बहुत ज्यादा, मैं वही तो देखता था कि यार ये तो हिम्मत कहाँ से आ रही है इतनी बुक पढ़ने की। और दिक्कत ये थी, हम सारे भाई जो, मतलब मेरे कजन्स वगैरह थे, हम सारे नालायक, और हमारी एक बहन, मेरी जो बड़ी बहन है, और वो बहुत इंटेलिजेंट, और भाई उनके चक्कर में क्या जिंदगी खराब हुई हमारी। और जाटों के घर में वैसे ही तुम्हारी कोई रेडी बिन लगवाया, तुम्हारे भैंस भी नहीं देगा तुम्हें बांधने के लिए, ये वो। अरे तो फिर उसके बाद कॉलेज गए 12th के बाद? हाँ कॉलेज गया था। कितने मार्क्स आए थे सच्ची बता? किस चीज में? 12th में 56%। और कॉलेज भी चले? हाँ हाँ फर्स्ट क्लास, गेस करो कॉलेज, MIT। मैं बोली रामजस तो मत बोलना, सारे जाट वही है। नहीं नहीं यार, रामजस कहाँ देख रहा है हमारी तरह, हमारे जैसे बच्चों का भला MIT ने करा। फिर MIT में जाके आपने गाना वगैरह वहाँ पे शुरू किया या उससे पहले ही कर दिया था? मैंने गाना एकदम से शुरू करा था, वो एक रात बनाया था।
उससे पहले कोई फर्स्ट सॉन्ग आपका एक रात था ना. हाँ, तो उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं थी एज सच की क्या मेरा ये करियर ऑप्शन है या ऐसा कुछ है. कभी इंटरेस्ट नहीं था ऐसा कि मेरे को बड़े होके सिंगर बनना है या मैं गाने लिखूंगा. सिंगर नहीं बनना था कभी भी, ना मुझे पसंद है सिंगिंग करने. बट हाँ, ये है कि हाँ, चेन ऑफ चीजें होना वो हुई और उसके बीच में फिर ये चीज हो गई. बट हाँ, ये कुछ ऐसा ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे एज अ करियर ऑप्शन दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर, ऐसा कुछ नहीं. तो एक रात आपने क्या सोच के लिखा था, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ था कि या फिर? यार ऑफ कोर्स देखो, अब उसमें इतना ज्यादा वो था तो हार्ट ब्रेक तो हुआ था, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, गर्ल बॉय रिलेशनशिप वाला सीन नहीं था. सीन थोड़ा और ज्यादा खराब था. बॉय बॉय? अरे नहीं नहीं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, बट आई एम डेफिनेटली 100% स्ट्रेट. हाँ मतलब और चीज है यार, समझ जाओ कि मतलब कि एक कपल ही चीज प्रॉब्लम से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है धरती पे. और हार्ट ब्रेक मतलब आप एक रात गाना लिख रहे हो और उसके लिए मतलब कैसा हार्ट ब्रेक चाहिए होगा? ऐसा हार्ट ब्रेक कि ऐसा लग रहा था कि क्यों ही जिंदा है. क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. तो बता दो यार, कुछ तो बता दो. नहीं अभी टाइम नहीं है उसका बताने का. अभी तक नहीं बताई आपने? नहीं, मेरे दोस्तों को नहीं बताया था, तो किसी को भी नहीं पता बेसिकली. बात ये है वो बताई मतलब यही है कि यार वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, उससे ना ध्यान डेविएट हो जाता है आदमी का. ओह बेचारा ये उन चार चीजों हो जाएगा, बजाय कि भाई जो बात है उससे जो मैंने समझ ली वो छोड़ो ना. अब ये समझने की बात ये थी उसमें से, वो समझने की बात तो मैं पूरी बता रहा हूँ. और कितनी देर में लिख दिया वो गाना आपने? देर में लिख दिया मतलब दिन लगे कि एक रात में मैं बैठा और लिख दिया ऐसे? वो मतलब पूरा गाना तो 1.5 साल में हुआ है, बट लिखाई लिखाई आई थिंक 6-7 महीने चला है. बहुत अच्छा. मतलब उसमें काफी ज्यादा दिमाग और टाइम इस वजह से लगा है कि मेरे पास बातें थी एग्जैक्टली कि ये बात है और ये ऐसे लिखनी है. अब वो ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, जैसे रैप में थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली वो चीज़ों को बताना, जैसे रावण में मैंने करा था तो वो थोड़ा इजीली हो गई थी वो चीज़ें. बट जब आप ऐसे लय में आपको गाना है, वो ई की जगह ई आना चाहिए, आ की जगह आ आना चाहिए. थोड़ा सा गा के सुना दो. अभी अभी दो लाइनें बस. चलो गा देते हैं. तो लास्ट वाली लाइन जाए. दिल भी बोला सुन बावर है आँखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ ये आवाज मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है जमाने की नहीं, मैं धड़कता रहूँ तू भी यूँ हंसता रहे, दुनिया जाए साली भाड़ में कोई परवाह ही नहीं. कोई ऐसा सॉन्ग बताओ जो आपने बहुत दिल से लिखा हो पर वो उतना वर्क नहीं किया हो, या फिर कोई आपने ऐसे फटाफट से लिख दिया हो और वो नेक्स्ट लेवल हिट कर गया हो. गानों में आई थिंक बहुत दिमाग से यार सारे ही गाने लिखे थे, बट मेरी एक्सपेक्टेशन सारी मीट करें. अब ऐसा होना डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसे टाइम जोन में हैं कि जहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ म्यूजिक होना इज रील थ्रू रील्स, मतलब मेन फैक्टर जो है वो रील्स है, तो विच इज वेरी सैड. और इसकी वजह से हो सकता है कि हाँ अब वो आप लोगों के लिए भी सैड है, वो यूट्यूबर्स के लिए भी है, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं 15-15 सेकंड में कंटेंट देख देख के लोग साइड हो जाते हैं और 8-8, 10-10 मिनट का सब वेस्ट. तो मतलब वो भी नहीं यार, बात ये है ना म्यूजिक वाले सेक्शन में क्या होता है कि आप मेरे जैसा आदमी जो सारी चीजें खुद कर रहा है भाई, फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट प्रोडक्ट एडिटिंग, अपने थंबनेल्स बनाने, ये वो सब चीज़ें बनाना, वो सारी चीज़ें बना के जब आप एक आदमी देख रहा है तो उसके बाद ये मिस आउट होना, एक पूरी एक विजुअल मिस आउट हो रहा है, पूरा एक ऑडियो मिस आउट हो रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट वायबल फॉर 15 सेकेंड्स. मतलब इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर 15 सेकेंड्स. इट इज़ अ होलसम थिंग फॉर 3 मिनट थिंग और अ 4 मिनट थिंग, उसके लिए वो इतना टाइम दे नहीं रहा कोई. और उस तक पहुंचने का जरिया कोई ऐसा खास नहीं है कि भाई दिख जाए सीधा ही सीधा. तो आपके जितने गाने हैं वो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके ही लिखते हो या फिर ऐसे कभी कभी ऐसे ही मन किया मतलब किसी और की साथ कुछ हुआ है तो उस पे लिख दिया, या अपने आसपास देखा तो वो लिख दिया?
अल्टीमेटली हो तो देखा तो आसपास ही है, क्योंकि वरना तो क्या ही। तो जो भी चीज़ें देखी हैं समझी हैं उसका एक क्यूमुलेटिव वो होता है सारा कंटेंट कि भाई ठीक है मैंने ये चीज़ यहाँ देखी, ये चीज़ यहाँ देखी। फॉर एग्जाम्पल एक रात वॉज नॉट लाइक हाउ माई लाइफ, एक रात में नहीं लिखा गया है, एक रात में बिल्कुल नहीं लिखा गया। वो एक रात इसका नाम इसलिए था, वो एक एक्चुअल स्टोरी है जो कि मेरी लाइफ रिलेटेड ही है कि आई वाज वेरी डिप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हाउ आई रिकवर्ड वाज अ डिसीजन आई मेड इन वन नाइट, दैट वाज द होल एक रात। और वो चिड़िया सॉन्ग के पीछे की क्या स्टोरी थी, क्योंकि वो प्रॉपर एक ना लड़की के ऊपर गाना है जो कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे इमोशंस उतार पाए। वो इमोशन उतरने का रीज़न था कि मैंने ना बहुत ज़्यादा लड़कियों की लाइफ ऐसी देखी है, इससे बहुत ज़्यादा डार्क जो कि स्क्रीन पे दिखाते हो रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है लोगों को, बट मैंने सफ़र करते हुए और वो हेल्पलेसनेस देखी है लड़कियों की। और मैंने खुद पर्सनली एक टाइम था मतलब गाने वाने आने से पहले कि मैं ऐसे ही रैंडमली बहुत लोगों की मदद करी हुई है, और मतलब मैंने किसी का भाई पीटा था, किसी का कुछ करा था, किसी को कहीं डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और कोई सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड उनका फैमिली में पापा मम्मी को मारते हैं, उसको मारते हैं, कोई मतलब कुछ भी नहीं है बेसिकली, बहुत बुरी बुरी हालतें देखी है मैंने। तो वो चीज़ देख के ना मतलब मैं खुद घबरा जाता था, जबकि मैं उनको आंसर दे देता था कि भाई नहीं ये नहीं, ये करना है अपना, जो करना है वो करो, ये सारी चीज़ें सोच के क्या फ़ायदा है। मेरे दिमाग में छपी हुई थी कि जिस टाइम पे वो परेशान है निकल तो देखो सब जाएंगे परेशानी से अगर वो थोड़ी मेहनत करे, बट वो वाला टाइम जो होता है ना वो इतना बुरा होता है कि उसमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे अगर एक ऐसा कोई नौसिखिया आर्टिस्ट ने गाना बना दिया चिड़िया जैसा और वो सुन के, बहुत लड़कियां फॉलो करती हैं तो आप उनके लिए कुछ बोल सकते हो? तो वही है कि जब भी मतलब कोई भी आपके साथ बुरी सिचुएशन हो रही है, कुछ भी आपके साथ परेशानी चल रही है, आपको सिर्फ थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है, आपको और किसी की भी मदद की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको फिर लगेगा कि यार बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो आप हमेशा किसी भी सिचुएशन से ईजिली बाहर आ जाओगे, जस्ट गिव इट टाइम एंड एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं पता पर लिख तो लिया होगा आपने? हाँ मैंने अभी काफी सारे गाने बनाए हुए हैं, मीनवाइल मैं बीच में खाली था। एक ऐसा होता है ना सबका एक बैंक होता है जिसमें लिख के रखते हैं पहले ही बहुत सारे गाने, तो वो आपने कितने लिखे हुए हैं कुछ आइडिया? आई थिंक 50-60 तो होंगे यार इजीली, क्योंकि मैं एक रात वाले टाइम पे ही बहुत ज्यादा गाने लिख दिए थे, वही आ रहे हैं अभी तक। तो और कितने सारे गाने तो ऐसे हैं जो कि 3 साल हो गए ऑडियो बनी हुई है रेडी है, बट पता नहीं क्यों क्या आलस है निकाली नहीं। क्यों? एक की तो 2019 से गाने की पूरी कम्प्लीटली एडिटेड वीडियो पड़ी है, पता नहीं हम क्यों नहीं गा रहे। गाइस जाके स्पैम कर दोगे, हमें वो वीडियो चाहिए। गाना क्या नाम है गाने का? नागिन। मेरे को लग रहा है कि ये नागिन गाना अच्छा होगा। जाके यूट्यूब चैनल पे इंस्टा पे सब जगह स्पैम करो, नागिन गाना निकालो। थैंक यू, हो सकता है इसके बाद हम निकाल भी दें। हाँ निकाल दो, जब सब कुछ रेडी है तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हो? पता नहीं यार, भगवान जाने क्या करते हैं हम। ये वेट था कि कीर्ति आएगी। एक भगवान की बंदी आएगी। पर मैंने ना जेन्युइनली एक रूमर सुना था आपके बारे में जो कि अभी का नहीं है, मैं बताऊंगी नहीं, पर आपका जो फर्स्ट सॉन्ग है उसमें जो फीमेल आर्टिस्ट वगैरह थी उनके मैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन में थी। अच्छा। पता नहीं एक वीडियो की बात हुई थी, ये 3-4 साल पहले की बात है, तब मेरे को एक सुनने में आया रूमर कि जो विलन है ना वो बहुत डार्क आदमी है। ये उसके जो घर की दीवारें हैं वो ब्लैक है और वो अंधेरे में रहता है और ऐसे रहते, तो क्या ये सच है? क्योंकि उस टाइम पे मैंने मान लिया था। तो मेरे को ना थोड़ा डर लगता था क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने सोचा था कि एक वीडियो करूंगी आपके साथ। तो मैंने अपने किसी दोस्त को बोला, वो बोला भाई वो डार्क वार्क में वैसे मैं डर गई। मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ऐसा क्या था?
मतलब घर की दीवार तो सफेद ही थी, बट हमारा जो स्टूडियो था वो ऐसा ही था, फुल ब्लैक, फुल ब्लैक था। अच्छा, तो हमने खुद ही पेंट करा था वो काला, और वो भी डिस्टेम्पर, मतलब प्रॉपर पेंट भी नहीं था वो, तो पूरा लगा के अपना पेंट, छत भी काली, जमीन भी काली, दीवारें भी काली, और उसमें नीली लाइटें थी, नियॉन लाइटें थी और लाल लाइट थी बस। फिर तो सही डरी मैं। एक बार पुलिस वाला आ गया तो वो डर गया था कि ये क्या हो रहा है, वहाँ पे 6,000 लड़के पड़े हुए और ये क्या, कौन सी जगह है तुम शैतान लोग। तो वो अभी भी ऐसा ही है कि अब चेंज हो गया? तो चेंज हो गया, और वही है कि थोड़े से आप बड़े होते हो आपकी रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। अब मुझे लाइट बहुत चाहिए, मेरे को बिल्कुल ऐसे बंद बंद होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खुला खुला सा अच्छा लगता है। पर एक टाइम ऐसा था कि आपको ब्लैक कलर से बहुत प्यार था, ब्लैक से क्या प्यार? ब्लैक से तो प्यार अभी भी है। हाँ, क्या ऐसा क्या हुआ है लगाओ यार, कैसा समझाऊं? कोई और कलर पसंद नहीं आते या फिर कोई और कलर? कलर तो मुझे बहुत सारे पसंद है, बट अपने ऊपर ब्लैक, अपने ऊपर मुझे काला अच्छा लगता है कि भाई ठीक है। क्यों यार, कितना वर्सेटाइल नहीं है कि आपको टेंशन ही नहीं है कि हाँ मैं अब जैसे ये मैं कल पैंट ये जिम पहन के गया था तो मैं यहाँ भी पहनाया, भारी रखी हुई थी। अब मैं यही चीजें किसी और चीज के साथ करूंगा तो बड़ा अजीब लगूंगा कि रोज रोज एक ही चीजें पहने जा रहा है, बट इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं? ये मैं पहले आंसर कर चुका हूँ तो मेरे को अब परेशानी नहीं है, पहले एक और इंटरव्यू में, बट ये कैसी बात है यार, ये कैसी बात मैंने है, पहले तो बताता भी नहीं था। नहीं, इसके पीछे बहुत वायबल, एक रात गाना लिख दिया, इतने गाने लिख दिए, सब लिख दिया, जीरो जीरो। अब ये लोग, पहले तो मैं बोलता भी नहीं था क्योंकि मुझे पता था काम का वो वाली बात हो जाएगी, है हम बेवकूफ हैं, सब यही बोल देते हैं, ये वो, हम तो वर्जिन है, हम तो ये है, हम तो जीरो है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत एक्चुअली में बहुत रीजनिंग है मेरे पास कि क्यों था ऐसा, और वो मैं खुद भी अंडरस्टैंड करी थी कि ऐसा क्यों था भाई, क्यों था ऐसा। पहले मैं बहुत सीधा था, हाँ। उसके बाद मैं बहुत बिगड़ गया, हाँ। उसके बाद मैं बहुत समझदार हो गया, हाँ। तीनों के रिलेशनशिप का कोई काम नहीं था तो बिगड़ गया वाले में फिर कुछ मतलब जो भी है कि बिगड़ गया तो आदमी ऐसे उसको पक्के वाले रिलेशनशिप नहीं, कैजुअल फ्लिंग्स और ये कभी नहीं। मैं उस तरीके का बच्चा था कि भाई बड़े होके सीधा शादी करूंगा, वो भी अरेंज मैरिज और इस तरीके, हाँ। कि रिलेशनशिप ऐसे ये सब नहीं चाहिए, घर वाले पसंद करें, ये करें वो करें, ऐसे होगा वैसे होगा, बिल्कुल उस तरीके का था। तो रिलेशनशिप अब जब चीजों का समय आएगा तब उस हिसाब से हो जाएंगे और आपको पता लग जाएंगी। 29 के हो गए हो बेटा, समझो थोड़ा, शादी की उम्र होगी। हाँ, नहीं नहीं, अपने आप जब, अब तो क्लोज है ही तो घर वाले तो टोकते ही रहते हैं, बट हाँ टाइम है, टाइम आ जाएगा अब थोड़ा सा। तो अभी भी अरेंज मैरिज ही करोगे आप? लेट्स सी बस गाइस, इतना तो समझ आ गया, कुछ तो है। जो भी है कुछ तो है। और सुनाओ आप सुनाओ। कैसा लगा आपको कहा टॉक्स में आके? बहुत अच्छा लगा, 2-3 बार डर लगा, वैसे बहुत अच्छा। डर क्यों लगा आपको? नहीं, जब हम एक बार रॉन्ग साइड जाने लग गए। अच्छा, अभी तो मैं भगाऊंगी, ये इसकी एवरेज ना मैंने आने में खराब करी है, इसकी 23-24 है। अच्छा, हाँ। ये क्या बदतमीजी करी आपने इस गाड़ी के साथ? अरे मैं भाग रही थी बहुत तेज में, ब्रेके तो हम लास्ट में कार टॉक्स के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। अभी म्यूजिक वगैरह सब हटा दो और मुझे बताओ कि जो विपुल है, जो विलन है, वो इन सब चीजों से हटा के उनके क्या इंटरेस्ट है लाइफ में अपनी? जैसे एक मुझे पता है जो क्या है, बास्केटबॉल, फुटबॉल। बास्केटबॉल है, बढ़िया। तो बड़ी छोटी चीज हो गई ना ये, तो कोई ये मुझे किस लिए पता है? क्योंकि मैं मोहित के साथ खेलती हूं। हां हां, मोहित ने बुलाया था मुझे खेलने के लिए, कि मेरी एक दोस्त है, आप आए नहीं थे? मैं आ नहीं पाया था। खाली टाइम पे आपको क्या करना पसंद है? ये वही दिक्कत है, अब ये मैं खाली टाइम पे बास्केटबॉल नहीं खेलूंगा कभी। खाली टाइम पे मैं खाली बैठूंगा, फोन चलाऊंगा। नहीं, फोन चलाना तो काम हो गया, खाली बैठूंगा। ध्यान लगाओगे? नहीं, खाली वो ये मेरा तो टफेस्ट कार्टॉक्स बन गया है। क्या करोगे खाली टाइम में? खाली टाइम में खाली बैठूंगा।
शिट यार, आपके इंटरेस्ट क्या है म्यूजिक के लिखने के अलावा? एक आपने बताया बास्केटबॉल खेलना पसंद है, मार्शल आर्ट्स पसंद है, और वर्कआउट करना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, मूवीज गुड मूवीज यस, फैमिली के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो जाते हो आप ट्रिप्स वगैरह पे फैमिली? हाँ, अभी हम गांव में थे 3-4 दिन होली पे, बढ़िया हमने वहीं पे ही मैंने कोलड़े खाए हैं, बहुत सारे नील पड़े हुए थे मेरे पैरों में, हमारे वहाँ आते हैं ना चुन्नी को ऐसे टाइट बांध के। मैं यार ये मैंने देखा है कि गुजरों में भी होता है ऐसे, जाटों में भी होता है, होली पे पिटाई लगती होती है, भाभियां मारती हैं। हाँ तो पड़े आप बहुत ज्यादा शिट, ये कैसी होली मनाई? वो आपको खेल के ही समझ आएगा कैसी होली है, उस जितना मजा, मतलब बेसिकली बहुत ही एक वेरी बैड एग्जांपल, बट आप एक ताश खेल रहे हो और आप एक जुए के साथ ताश खेल रहे हो, जो दोनों चीजों में जो इंटरेस्ट का गैप है ना, तो दोनों होली में गैप है। ऐसे लग रहे भोले से बच्चे को बैठा दिया मैंने और मैं बुली करे जा रहे हूं उसका। लास्ट अपना मैसेज दे दो ऑडियंस को कुछ। यार मैसेज तो यही है कि भाई अगर तुम्हें कुछ काम धंधा करना है तो काम धंधा भाई पूरी जी जान से करो, तुम्हें कुछ और करना है वो भी अपना पूरा जी जान से करो, बट इतना जी जान मत लगाओ कि सारी जान वहीं निकल जाए, तो अपना आराम से जिंदगी जीने पे ज्यादा ध्यान दो। तो गाइस बाय, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू कीर्ति मेहरा एंड डार्क्स म्यूजिक कंपनी। बाय। बढ़िया गाड़ियां बहुत ज्यादा। सारे डिफेंडर वालों से एक वन डिफेंडर और डाउन होगा। अच्छी चल रही है। प्लीज आप वो जो आपके पास गन है उसको आप नीचे रख सकते हैं। कहाँ है गन? ओह शिट। यहाँ का ट्रैफिक स्मूथ नहीं है बस। आपको ये पैसे मिलते हैं सेल्टोस? नहीं मैं चाहती हूँ कि किया मेरे को स्पॉन्सर करे, मैं इतना प्रमोशन करवा चुकी हूँ। गुड चॉइस।